फाइनली इसी जगह पे हुई थी, जो बी प्राक का गाना था ना मन भरिया, उसकी शूटिंग हुई थी इसी दिन। एक्चुअली क्या है ना, उस साइड से नदी आ रही है और इस साइड में से घूम के से जा रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज हम जाएंगे बी प्राक का जहाँ पर गाना शूटिंग हुआ था मन भरिया, और वो जगह है कोटा के राजस्थान के अंदर। तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जिसको ग्राडिया महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान की फेमस लोकेशन है। तो हम रास्ते में जा रहे थे, हमें ये कोटा का ब्रिज दिखा, तो हमने कुछ वीडियो इसके भी बना लिए। तो आगे आपके बात करूँ तो जो ग्राडिया महादेव मंदिर है वो एक टूरिस्ट पॉइंट है और कोटा से कुल मिलाकर 30 किलोमीटर दूर है। ऐसा कुछ गेट है और इधर से उधर जाना है दोस्तों, ये कुछ गेट है इसका, और यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है। यहाँ की टिकट बहुत महंगी है, एक आदमी की 130 रुपये टिकट है। अगर आपके पास में कार है तो 400 रुपये टिकट है, और अगर बाइक है तो उसकी 58 रुपये कुछ चार्ज है। अगर विद्यार्थी आते हो तो ये कुछ लिस्ट बनाई हुई है, तो आप पुश करके देख सकते हो। ये कुछ टिकट है, मेरे को टिकट इस टूरिज्म पॉइंट के हिसाब से बहुत महंगी लगी। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जहाँ से आप गाड़ी लेके जा सकते हो, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है मेरे को। बाकी और कुछ बाकी जगह बहुत अच्छी बता रहे हैं दोस्तों। फाइनली हम जा रहे हैं गडरिया महादेव मंदिर, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है, इसमें घुस गए हैं। और आपने गेट देखा पीछे, पर व्यक्ति का 126 रुपये आज के टाइम में चार्ज है, और मतलब बाइक का कुछ 58 रुपये चार्ज लिया मेरे से, करके 190 रुपये मुझसे लिए गए। और कार वगैरह का आप देख लेना, मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया है, तो उसके अंदर आदमी का तो 126 लगेगा ही, लेकिन जो गाड़ी वगैरह का है उनका अलग अलग है, तो वो आप देख लेना उसी हिसाब से आएंगे। और रास्ता बहुत ख़राब है, आप पीछे देख सकते हो मेरे, रास्ता कुछ बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। मतलब नहीं है यार, पैसा ले रहे हैं पर रास्ता भी नहीं है। दोस्तों ये है कुछ यहाँ की लोकेशन, जो कि एक नदी के अराउंड बना हुआ है ये, और ये चंबल नदी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इसी वजह से यहाँ से लोग आते हैं। और राजस्थान के हर टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो भी एड रहता है ना, उसके अंदर मतलब इस चीज़ को दिखाया जाता है। दोस्तों मन भरिया सॉन्ग का शूटिंग यहाँ पर हुई है, यहाँ पर खड़े थे बी प्राक, और कैमरा थोड़ा सा दूर एंगल से लिया गया था, और जो पत्थर दिख रहे हैं ना इसके ऊपर खड़े थे, और ये पेड़ भी मैच कर लेना, अभी तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है। बाकी यहीं पे शूटिंग हुई है, ये पीछे की पूरी लोकेशन बहुत ही शानदार लोकेशन है। एक्चुअली क्या है ना, उस साइड से नदी आ रही है और इस साइड में से घूम के से जा रही, तो इसका जो सराउंडिंग जो राउंड पार्क है ना वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये लुक्स में बहुत ही शानदार दिख रहे हैं अगर ये दूर से देखोगे तो। दोस्तों फाइनली इसी जगह पे हुई थी, जो बी प्राक का गाना था ना मन भरिया, उसकी शूटिंग हुई थी इसी दिन। और ये देखो मेरे पीछे देख सकते हो आप, पेड़ है उस गाने के अंदर भी दिखाया गया है, और उधर सामने से कहीं से कैमरा लिया गया था, और ये यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ना इस पत्थर के ऊपर बी प्राक खड़े होके गाना गा रहे हैं, और पीछे का ये जो सीन है आप देख सकते हो यहाँ से आ रहा होगा। और ये हर राजस्थान टूरिज्म के जो भी एड रहता है उसके अंदर ये चीज़ दिखाते हैं। और अभी बारिश नहीं आ रही, बारिश के टाइम में और भी ज़्यादा हरा भरा और भी ज़्यादा मस्त दिखता है। दोस्तों इस लोकेशन के नीचे है यहाँ पर बना हुआ ग्राडिया महादेव का मंदिर, जिसके अंदर सीढ़ियाँ तो नहीं कर सकते, जैसे कुछ पत्थर लगे हुए हैं इसके ऊपर आपको क्रॉस करके जाना है। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, अगर इस आप जंगल के अंदर आते हो तो कोई भी ऐसी खाने की चीज़ ना लेके, जिससे यहाँ के जो जानवर हैं वो आकर्षित हो। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, और जो कि आपसे बहुत सारी चीज़ें जैसे चिप्स वगैरह कुछ आप लेके आते हो खाने वगैरह के लिए, तो छीनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा जंगली एरिया है और ऐसा कुछ यहाँ का ऐसे मतलब परिसर बना हुआ है। और इसके नीचे है ग्राडिया महादेव मंदिर जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और वहाँ पर एक झरना भी है जो कि इस टाइम के अंदर जब ये ठंडी का टाइम हो चुका है तो उसके अंदर भी ये मतलब थोड़ा सा गर्म है, और लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, तो वो आप आ सकते हो, तो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो, नहा भी सकते हो महादेव के दर्शन करने के बाद में, अब आराम से आप ये टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, लोग कुछ नहा रहे थे, पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, और यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह रील वगैरह बना रहे थे, तो हम कुछ देर यहाँ पर रुके, उसके बाद में हम वापस चले गए अपने।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम निकले राजस्थान की यात्रा करने के लिए। तो राजस्थान में बहुत सारी जगह है, इससे भी अच्छी जगह है, वो सारी चीज़ें आपको घुमाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।